थाना खैरागढ़ के घनसपुरा गांव में खनन माफियाओं द्वारा चेकिंग कर रही पुलिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास किया गया। इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आगरा में दिन प्रतिदिन खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। खैरागढ़ इलाके में खनन माफियाओं द्वारा पुलिसकर्मियों को ट्रैक्टर ट्रॉली से रौंदने का प्रयास किया गया। माफियाओं पर कार्रवाई के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस द्वारा खनन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद 10 नामजद व तमाम अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खनन व चंबल माफियाओं को 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं ACP खैरागढ़ महेश कुमार का कहना है कि खनन माफियाओं के दुस्साहस के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और खनन करने वालों के खिलाफ इसी तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल थाना खैरागढ़ में घनसपुरा मोड़ के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कुछ ट्रैक्टर वहां से निकल रहे थे। पुलिस के रोके जाने के बाद भी नहीं रोके और बैरियर को तोड़ते हुए निकल गए, जिसमें पुलिस वालों के चोटें भी आएंगी। और पुलिस ने फिर दोबारा उसका पीछा किया और किस तरह घेराबंदी करके एक ट्रैक्टर दो ट्रालियां पकड़ी, जिसमें दो व्यक्ति भी पकड़े गए और इसमें 10 लोग नामजद किए गए, जिनके और ट्रैक्टर जिनके थे उनके जानकारी करके नामजद किए गए हैं और 7-8 लोग अज्ञात मुकदमा पंजीत किया गया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई किन किन धाराओं में मुकदमा? इसमें 307 का मुकदमा है, क्योंकि इसमें जानलेवा हमला किया था। रोके जाने के बाद नहीं रोके, उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ा दिया बैरियर पर, जिससे पुलिस के छोटे भी आए, जिससे खतरा हो सकता था। इस तहत 307 का मुकदमा पंजीत किया गया है। ये कुछ इसमें राजस्थान बॉर्डर के हैं, कुछ हमारे क्षेत्र के हैं और पता किया जा रहा है कहाँ के हैं। DG महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।